जिले के मावली तहसील एवं वल्लभ नगर के समीप धारता गांव निवासी शहीद मुरलीधर लोहार का शनिवार को पूरे राजकीय एवं सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव धारता के मोक्षधाम में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दरमियान एयरफोर्स के ऑफिसरों व जवानों ने शहीद मुरलीधर के घर पर उनकी पार्थिव देह पर तिरंगा उड़ाते हुए पुष्प चक्र अर्पित कर सैल्यूट कर सैन्य सम्मान दिया। इसके बाद पिता जयराम, माता जमुनाबाई, पत्नी निर्मलाबाई, राधेश्याम मीठालाल, जितेंद्र, बहन जानी देवी एवं पुत्री हेमाद्री ने पार्थिव देह पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी। एयरफोर्स के जवानों ने पार्थिव देह को उनके घर के सैन्य सम्मान के साथ धारता गांव के मुख्य मार्ग पर टेबल पर लाकर लोगों के अंतिम दर्शनों के लिए रखा। यहाँ पर गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया, सांसद सीपी जोशी, मावली विधायक दलीचंद डांगी, जिला प्रमुख शांतिलाल मेघवाल, पूर्व विधायक मावली शांतिलाल चपलोत, पूर्व विधायक पुष्कर लाल डांगी, वल्लभ नगर पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत सहित कई जनप्रतिनिधियों द्वारा पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हुए नमन किया गया। वल्लभ नगर, मावली एवं आसपास के विभिन्न गांवों के लोगों ने शहीद के पार्थिव देह पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद देशभक्ति गीतों पर सेना के वाहन में मेवाड़ के लाल शहीद मुरलीधर की शव यात्रा निकाली गई, जो गांव के प्रमुख मार्गों से होते हुए मोक्षधाम पहुंची। इस दौरान धारता गांव की गलियों एवं घरों की छतों पर तिल भर के लिए जगह नहीं बची। सभी लोगों ने जगह जगह नम आंखों से शहीद की पार्थिव देह पर पुष्प वर्षा करते हुए अंतिम विदाई दी। इसके बाद वायुसेना के ऑफिसर ने शहीद के पिता को तिरंगा एवं शहीद का बैच सौंपते हुए फोर्स की गतिविधियां पूरी करते हुए शहीद की पार्थिव देह को मोक्षधाम में चिता पर लेटाया। इसके बाद पिता भाइयों सहित परिजनों ने मुखाग्नि दी तो वायुसेना के अफसरों व जवानों ने बंदूकों से फायर करते हुए मेवाड़ के लाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद मोक्षधाम में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें गृह मंत्री कटारिया, सांसद जोशी, विधायकों सहित लेफ्टिनेंट अभिनव नागौरी की माता सुशीला देवी ने भावुक होकर मेवाड़ के लाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान लोगों एवं परिजनों ने विद्यालय का नाम शहीद के नाम रखने एवं शहीद की प्रतिमा स्थापित करने के विचार रखे। इस पर गृह मंत्री ने शहीद के नाम से विद्यालय का नामकरण तथा गांव में पार्क बनाकर शहीद की प्रतिमा लगाने के लिए आश्वासन दिया। सांसद जोशी व मावली विधायक डांगी ने पार्क व प्रतिमा के लिए 5-5 लाख रुपए की घोषणा की। साथ ही जिला प्रमुख मेघवाल ने पार्क की 4 दीवारी एवं पानी की व्यवस्था करने की घोषणा की। सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष गुमान सिंह राम ने शहीद की पत्नी को राजकीय सम्मान के साथ राजकीय सेवा में नौकरी एवं सभी तरह के सैन्य सम्मान देने का भरोसा दिलाया। शनिवार को जिलों